नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई 2023 पेपर की पूरी तैयारी को देखने वाले हैं और इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट सभी लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके पेपर में 14 नंबर का आता है। इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आप 5 नंबर के बहुविकल्पी वाली वीडियो और 6 नंबर के अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सभी वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप पेपर में 25 में से 25 स्कोर कर सकें। पास होने के लिए चाहिए होगा 12 नंबर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आपके लघु उत्तरी प्रश्नों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा भी जा चुका है कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुणों से युक्त होते हैं। ये कंप्यूटर निरंतर जनित आंकड़ों तथा अंकीय आंकड़ों दोनों ही प्रकार के आंकड़ों पर प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। डिजिटल व एनालॉग दोनों के ही गुणों की उपलब्धता के कारण इन कंप्यूटर को दोस्तों हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो बस ये ध्यान में रखना, डिजिटल और एनालॉग ये दोनों होते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आया था आपके पेपर में कि लाइट पेन क्या है। 2019 का प्रश्न है ये। तो दोस्तों इसको कैसे आंसर करेंगे आइए देखते हैं। देखिए लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन अथवा स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। तो आपका फोन भी दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मल्टीमीडिया जरूर होगा तभी आप हमारी वीडियो इस समय देख पा रहे होंगे। देखिए मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है दोस्तों बहु या विविध। मीडिया का अर्थ होता है दोस्तों माध्यम। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों, श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों जैसे मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया गेम में बहुतायत के साथ होता है क्योंकि मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम माध्यम होता है। ठीक है दोस्तों, मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक हार्डवेयर दोस्तों देखते हैं। ग्राफिक्स एक्सेलेरेटर कार्ड होता है दोस्तों, सीडी रोम ड्राइव, माइक्रोफोन तथा कैमरा, साउंड कार्ड, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि फैक्स की विशेषता बताना। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में आ चुका है। तो फैक्स देखते हैं। देखिए फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप बनाकर लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि फैक्स के बारे में आप जानते हो, ऐसा नहीं बिल्कुल सेम टू सेम उतारना है। जितना अच्छा आप इसको बना के एक्सप्लेन कर पाए उसको करना है। इसमें ग्राफ चार्ट हस्तलिखित मुद्रित सामग्री को टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी के स्वरूप को भेजा जाता है। कुछ ही सेकंडों में टाइप की हुई या हस्तलिखित संदेश की अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है। फैक्स अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली, ठीक दोस्तों, शब्द से बना है। फेसिमिली शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा से संबंध है। फैक्स का अभिप्राय बनाना, सिमिली शब्द का अभिप्राय दोस्तों उसी के समान से है। अर्थात अन्य शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर तक तत्काल उपलब्ध हो जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न रहा दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आ चुका है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें परस्पर संबंध कंप्यूटर कहते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। एक बड़ा कंप्यूटर जिससे कि बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटर पर तो कार्य कर ही सकते हैं अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व डाटा होता है। डाटा पर गणना करके इसे सूचना के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा व सूचनाएं भर दी जाती हैं और इसके साथ अन्य कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वर कहते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार देखिए, स्थानीय नेटवर्क लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और दोस्तों व्यापक नेटवर्क होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म याद रखना है। लैन का पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे आप, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, और दोस्तों तीसरा होता है मेट्रो एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न आपके पेपर में आया था 2019 में कि इंटरनेट क्या है और इसका क्या कार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों को यही नहीं पता होगा इंटरनेट है क्या। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में सूचना एवं आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट सबसे उपयुक्त साधन है। आज के परिवेश में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र अछूता है जहां इंटरनेट का प्रयोग नहीं हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी क्षेत्र जैसे सरकारी संस्थान, बैंकिंग संस्थानों से संबंधित सूचना एक
आंकड़ों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आज इंटरनेट के सर्वव्यापी उपयोग से ही विश्व व्यापी दूरियां आपकी सिमट गई हैं। विश्व के प्रमुख इंटरनेट प्रदाता हैं GTI, MCI, स्प्रिट, यूजनेट और अमेरिका ऑनलाइन का ANS। इन माध्यमों को रीढ़ की हड्डी या बैकबोन कहा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट का ही उदाहरण है। इंटरनेट विश्वव्यापी एवं देशव्यापी कंप्यूटर के नेटवर्क का जाल बिछा है। अब दोस्तों बात करेंगे इंटरनेट के कार्य क्या है। इंटरनेट की नेटवर्किंग प्रणाली में एक या एक से अधिक कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम सर्वर कहते हैं। सर्वर में संपूर्ण सूचना एवं आंकड़े स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। सर्वर के माध्यम से सूचना एवं आंकड़ों का स्थानांतरण भी किया जाता है। सर्वर के रूप में मुख्यतः मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट एक अत्यधिक बलशाली एवं गतिशील संचार माध्यम है। इंटरनेट की विश्व में शुरुआत 1969 में तथा देश में वर्ष 1990 के आसपास हुई। उस समय इसका प्रयोग केवल शैक्षिक या रक्षा संबंधी कार्यों में किया जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आया था आपको 2019 में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। तो इसको बोलते हैं हम लोग एमएस एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तथा इसे एक्सेल के नाम से भी हम जानते हैं। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों का टेबलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर एवं प्रिंट आदि करने के कार्य करता है। एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है। देखिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐसा अनुप्रयोग जिसमें गणितीय सांख्यिकी गणना के साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को व्यवस्थित किया जा सकता है। एक्सेल को चालू करने के चरण, सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करें, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारंभ आपका हो जाएगा। तो आपके कंप्यूटर में दोस्तों जैसे भी आप ओपन कर पाते हो, विंडोज 10, विंडोज 7 में वो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर के इतिहास पर आपको प्रकाश डालना है कि कंप्यूटर का इतिहास है क्या। देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यह कहावत कंप्यूटर के आविष्कार के लिए 100% सटीक बैठती है, क्योंकि मनुष्य द्वारा एक तीव्र व सटीक गणना करने वाली युक्ति या डिवाइस की निरंतर मांग व खोज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार संभव किया है। कंप्यूटर की खोज व आविष्कार तथा सुधार का इतिहास 2500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। सन 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा तैयार की जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा। यह तंत्र यंत्र पूर्णतया स्वचालित बनाया गया। यह यंत्र गणित की आधारभूत क्रियाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकता था तथा इसकी गति 60 गणनाएं प्रति मिनट तक थी। यह पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य करती थी तथा इसमें निर्देशों को संग्रहित करने की क्षमता थी। यह मशीन स्वचालित रूप से परिणाम भी छाप सकती थी। दुर्भाग्यवश चार्ल्स बेबेज इस मशीन की रूपरेखा के अनुरूप एक वास्तविक मशीन का निर्माण नहीं कर सके, किंतु उनकी यह मशीन एनालिटिकल इंजन से ही आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी। इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता या जनक कहा जाता है। कंप्यूटर की पीढ़ियों का दोस्तों वर्णन करिए। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। जैसे आपका प्रथम पीढ़ी दोस्तों कब से था, 1942 से 1955, द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964, तृतीय पीढ़ी 1964 से 1975, चतुर्थ पीढ़ी दोस्तों 1975 से 1990 और पंचम पीढ़ी 1990 से वर्तमान तक चल रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर का आपको अर्थ बताना हो सकता है। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग यंत्र है जो प्रयोक्ता को इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को या आंकड़ों को कार्यान्वित करने के बाद उन्हें व्यवस्थित शब्दों या जटिल संख्याओं को गणना के रूप में संचित कर सकता है। इसमें आउटपुट को आसानी से समझ में आने वाले संरूप में प्रस्तुत किया जाता है। कंप्यूटर का अर्थ तो दोस्तों देखते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर व अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों गणना। अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर के विशिष्ट गुण आपको बताने हो सकते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं। पहला दोस्तों आपका होता है एक्यूरेसी या हिंदी में बोले शुद्धता। यदि मनुष्य कंप्यूटर को कमांड देने में त्रुटि ना करे तो कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं करता। कंप्यूटर में त्रुटियां हो सकती हैं, किंतु उनका कारण कंप्यूटर स्वयं ना होकर उस पर कार्य करने वाला मनुष्य अथवा कंप्यूटर के डिजाइन की सीमा हो सकती है। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि का कारण आंकड़ों में अथवा दिए गए निर्देशों में त्रुटि होगी। कंप्यूटर कभी गलत गणना नहीं करता। देखिए दोस्तों अगर आप प्रोग्रामिंग करें, अगर आपने गलत प्रोग्राम कर रखा है तो भाई उसका आंसर तो गलती देगा, लेकिन कंप्यूटर अपने मन से ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि 2 × 2 वो कभी 5 दिखाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्वचालन ऑटोमेशन। प्रोग्राम के एक बार कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाने पर प्रोग्राम का केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा कार्यान्वित होता रहता है।
यह कार्यक्रम प्रोग्राम के अंत तक चलता रहता है। तीसरा पॉइंट, दोस्तों विश्वसनीयता। कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्यों, गणनाओं तथा दी गई सूचनाओं में शुद्धता अति उच्च होती है, इसलिए इनमें विश्वसनीयता भी अधिक होती है। हम बिना झिझक के कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर विश्वास कर लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, परिश्रमी। कंप्यूटर मनुष्यों के समान अत्यधिक कार्य करने पर थकता नहीं है। विश्व के अनेक संस्थाओं में कंप्यूटर लगातार 24 घंटे कार्य करता रहता है। मानव जाति के विकास के लिए कंप्यूटर निरंतर एक परिश्रमी गुलाम की तरह बिना किसी त्रुटि के कार्य करता रहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है विभिन्नता। ठीक है, एक ही कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकता है। किसी क्षण कंप्यूटर किसी परीक्षा फल को तैयार करता है, दूसरे ही क्षण कंप्यूटर बिजली के बिलों को तैयार कर सकता है तथा इसके बीच यह किसी सहायक क्लर्क के कार्यों में सहायता कर सकता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हमारा उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। तो दोस्तों पहला होता है सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर, जैसे जो होता है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर अनेक सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए विकसित किए जाते हैं। आलेख तैयार करना, आलेख छापना, डेटाबेस तैयार करना हुआ, उससे सूचनाएं प्राप्त करना, शब्द प्रक्रिया, कंप्यूटर डिजाइन तैयार करना इत्यादि कार्य सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। ये अनेक प्रकार के सामान्य कार्य बिना फेर बदल के कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात आती है आपके विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए विकसित किए जाते हैं व इनकी प्रक्रिया क्षमता भी उसी विशिष्ट कार्य की आवश्यकता अनुसार ही होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों में यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक प्रोसेसर भी संलग्न किए जा सकते हैं। ऐसे विशिष्ट कार्य जिनका निष्पादन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता, उनके लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कुछ विशिष्ट युक्तियों के साथ संलग्न कर विकसित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात करेंगे आकार एवं क्षमता के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया ये बताइए। तो दोस्तों इसको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। दोस्तों सबसे पहले आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। याद रखना चार तरह के कंप्यूटर है। तो होता क्या, इसको देखते हैं। देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर होते हैं, इनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में कुछ बड़े, तीव्र व महंगे होते हैं। फिर दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। फिर दोस्तों लास्ट में आता है सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सबसे अधिक गति संग्रह क्षमता प्रयोगता वाले कंप्यूटर है। इनमें अनेकों सीपीयू होते हैं, ये समानांतर क्रिया करने में सक्षम होते हैं। इन कंप्यूटरों में नॉन वॉन न्यूमैन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में अनेक संसाधन प्रणालियां उपयोग की जाती है। देखिए प्रत्येक संसाधन समांतर प्रक्रिया करता है। यह कंप्यूटर 1 करोड़ निर्देश प्रति सेकंड से भी अधिक कार्य कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कितनी तेज इसके पास कमांड की पावर है कि अगर आप 1 सेकंड में 1 करोड़ भी कमांड देंगे तो दोस्तों ये काम कर जाएगा। तो भाई बहुत तेज है सुपर कंप्यूटर आपका। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कंप्यूटर की उपयोगिता को समझाइए। देखिए जीवन के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर उपयोग एवं अनुप्रयोग निम्नलिखित है। देखिए पहला होता है, देखिए देखिए दोस्तों हम आपको सिर्फ हेडिंग्स बता दे रहे हैं, ये सब आप बनाकर लिख सकते हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बनाकर जितना अच्छा लिखेंगे अच्छा रहेगा। ठीक है ना। पहला दोस्तों उपयोगिता आपके व्यापारिक क्षेत्र में होता है, दूसरा आपका दोस्तों बैंकिंग के क्षेत्र में, तीसरा शिक्षा के क्षेत्र में, चौथा दोस्तों आपका खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में, पांचवा दोस्तों आपका इंटरनेट व इंट्रानेट के क्षेत्र में, छठा दोस्तों शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में, सातवां दोस्तों पॉइंट आपका मेडिकल विज्ञान में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। देखिए इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है, इसकी गति कुछ धीमी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि माउस क्या है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसमें दो दाया व बाया बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबड़ बॉल होता है जो इसके क्रियान्वयन में सहायता करता है। देखिए दोस्तों अब रबड़ बॉल तो नहीं होता, अब तो लेजर आ गया है, आपको पता होगा। तो अब तो काफी ऐसे माउस आते हैं जिसमें वायर तक नहीं होती, तो थोड़ा पुराना आंसर दे रखा है यहाँ पर। अगला प्रश्न अब देखेंगे दोस्तों हम लोग, कंप्यूटर के लाभों का वर्णन करना है। तो इसके भाई निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला दोस्तों इसमें सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण व नवीनीकरण का कार्य अत्यंत सरलता एवं दक्षता से अल्प समय में किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इसमें मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए नवीनतम एवं सत्य सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट, हमारा कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक किया जा रहा है। और चौथा पॉइंट, हमारा कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाएं सुरक्षित रहती हैं। पांचवा पॉइंट, कंप्यूटर की सहायता से किसी भी विषय का अध्ययन बार बार किया जा सकता है जो कि शिक्षण में एक शिक्षक द्वारा संभव नहीं है।
छठा पॉइंट है, कंप्यूटर से गहन जानकारियां प्राप्त होती हैं जिससे व्यक्ति एवं विद्यार्थी को व्यक्तिगत लाभ होता है। सातवां पॉइंट है दोस्तों, कंप्यूटर के प्रयोग से शिक्षा को अनेकों आयाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न भागों को संक्षिप्त में समझाइए। तो दोस्तों सबसे पहले आता है आपका हार्डवेयर संघटक। तो कंप्यूटर एक अकेला यंत्र नहीं है, यह एक प्रणाली है। इसके साथ समन्वित रूप से कई यंत्र जुड़े होते हैं जिनके कार्य का समान उद्देश्य होता है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित भाग होते हैं, देखिए दोस्तों, पहला होता है निवेश अथवा आगत इकाई, इनपुट यूनिट, केंद्रीय संसाधन यूनिट दोस्तों जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, निर्गत यूनिट मतलब आउटपुट यूनिट, निवेश निर्गत यूनिट मतलब इनपुट आउटपुट यूनिट। देखिए आप, ये जो आप बात हमने बोली यहाँ पर, इसको आपको हिंदी अंग्रेजी में अगर आप पढ़ रहे हो तो ज्यादा आसान लग रहा होगा, इनपुट हो गया आउटपुट हो गया, इनपुट आउटपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कुछ वर्ड्स दोस्तों आपके हिंदी में भी कठिन होते हैं, तो ये बात आप अभी समझ जरूर गए होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है, इसको देखते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां क्या होती हैं। अल्फा न्यूमेरिक दोस्तों, ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक देखते हैं दोस्तों, यह कुंजी पटल का केंद्रीय भाग होता है जिसमें वर्णमाला के अक्षर ए टू जेड, कैपिटल ए से लेकर जेड या स्मॉल ए टू जेड तथा अंकीय नंबर, ठीक है दोस्तों, 9 to 0, 1 2 3 4 5 6 वाले, तथा दोस्तों ए अन्य कुछ कैरेक्टर दोस्तों, क्वेश्चन मार्क हो गया, हैश टैग हो गया, डॉलर का साइन हो गया, एट द रेट हो गया, ये सब ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये ब्रैकेट के सब इत्यादि होते हैं। इनके अतिरिक्त शिफ्ट, इंटर, बैक स्पेस, टैब हो गया दोस्तों बटन, एस्केप हो गया, एएलटी हो गया आदि कुछ विशेष कुंजियां भी होती हैं। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कि यार न्यूमेरिक कुंजियां कौन सी होती हैं, किसे कहते हैं। तो न्यूमेरिक कुंजियां नंबर्स की, यह कुंजी पटल पर दाएं भाग में स्थित होता है। वह इनमें कुल 17 कुंजियां होती हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों की कुंजियां होती हैं, जिसमें से 4 कुंजियों पर दोस्तों दिशाएं व्यक्त करने वाले तीर एरो बने रहते हैं। नीचे दोस्तों आपने देखा होगा जो कर्सर को चलाने का भी काम करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कुंजियां भी अंकित होती हैं जैसे नम लॉक, ये सब दोस्तों ये सब अलग अलग है, पेज अप पेज डाउन, इंसर्ट व इंटर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, स्कैनर क्या है। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है स्कैनर के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। स्कैनर वस्तु या प्रालेख की आकृति को प्रत्येक बिंदु से देखकर कंप्यूटर में प्रविष्ट कर देते हैं। इस प्रिंटेड आकृति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में संचय कर लेते हैं जिन्हें बाद में मिटाया जा सकता है। इसमें आकृति में वांछित बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत स्कैनर में माइक्रो कैमरा भी होता है जो आकृति को देखता है तथा प्रतिरूप समेट कर इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करके तरंगों को कंप्यूटर में प्रवाहित कर देता है जहां यह संचय हो जाता है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा दोस्तों, केंद्रीय संसाधन इकाई क्या है, मतलब आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, निवेश इकाई, देखिए दोस्तों इसको थोड़ा हिंदी में याद रखेंगे नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे यार, कि बाद में कहेंगे ये तो सीपीयू का ही क्वेश्चन आया था और आपके दिमाग में नहीं आया। तो केंद्रीय संसाधन इकाई, तो इसका उत्तर देखते हैं आप, निवेश इकाई के माध्यम से प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर प्रयोक्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए निर्देशों के अनुसार केंद्रीय संसाधन इकाई प्रक्रिया की जाती है। केंद्रीय संसाधन इकाई को सीपीयू भी कहा जाता है। केंद्रीय संसाधन इकाई कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर सूचनाओं की गणना एवं उनका विश्लेषण होता है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना को हमें समझाना है। तो चलिए दोस्तों इसकी संरचना को देखते हैं। आगत इकाई, निर्गत इकाई व केंद्रीय संसाधन इकाई के सह संयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर द्वारा संसाधन प्रक्रिया करने हेतु केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू को 3 मुख्य इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों पहली इकाई आपकी आती है प्रारंभिक स्मृति या प्राइमरी मेमोरी अथवा मुख्य स्मृति या मेन मेमोरी। दूसरा दोस्तों आपका नियंत्रण इकाई मतलब कंट्रोल यूनिट। तीसरा अंकगणितीय व तार्किक इकाई, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है उसको देखते हैं। स्मृति मेमोरी से आप क्या समझते हैं, इसकी क्षमता को समझाना है। देखिए मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य भी होती है क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिसका पालन कंप्यूटर की सीपीयू को करना होता है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू का सीधे संपर्क में रहता है, ठीक है दोस्तों, सीपीयू से सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहते हैं, और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी में केवल प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्मृति की क्षमता या कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। केंद्रीय संसाधन केंद्रीय इकाई में होने वाली समस्त क्रियाएं सर्वप्रथम स्मृति में जाती हैं। कंप्यूटर की स्मृति संसाधन इकाई सीपीयू का ही एक भाग होती है। स्मृति में अक्षरों को बाइट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए दोस्तों आपके 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। प्रत्येक बिट में बाइनरी पद्धति के अनुसार 1 अथवा 0 संचित होता है। स्मृति में संग्रहण हेतु अनेकों स्थान होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। स्मृति की क्षमता व आकार मापने की न्यूनतम इकाई दोस्तों हम किसको बोलते हैं, बाइट।
स्मृति का आकार निम्नांकित के अनुसार 200 परिभाषित किया जा सकता है। 8 बिट बराबर दोस्तों आपका 1 बाइट होता है, 1 निब्बल बराबर होता है 4 बिट, ठीक है ना। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर दोस्तों 1 मेगाबाइट होता है, ठीक है दोस्तों। 1024 मेगाबाइट मतलब 1 MB, मेगाबाइट का मतलब MB होता है, तो मतलब 1 GB, और दोस्तों 1 TB मतलब होता है 10 की पावर 12 बाइट या 1000 GB, ठीक है ना, गीगाबाइट। तो इसको बाइट्स में भी आप याद रख सकते हैं, तो बाइट्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आने से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। पहले स्मृति में अनेकों स्थान होते हैं जिन्हें दोस्तों हम सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, इसलिए किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी 2 भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी मुख्य मेमोरी दोस्तों मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ये आपको समझाना है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, यह ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह प्लास्टिक की बनी गोल प्लेट होती है। यह बहुत लचीली प्लास्टिक की बनी होती है। लचीला प्लास्टिक से बनी होने के कारण इसका नाम फ्लॉपी पड़ा। फ्लॉपी पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। इसी मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत के कारण इस प्लास्टिक पर आंकड़े संग्रहित किए जा सकते हैं। यह प्लेट मोटे प्लास्टिक के खोल में बंद रहती है ताकि प्लेट को कोई नुकसान ना पहुंचे सके। फ्लॉपी सूचनाओं संग्रहण अध्ययन तथा स्थानांतरण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव यह फ्लॉपी डिस्क के समान होती है किंतु आकार में बड़ी तथा तीव्र गति से चलने वाली होती है। यह कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है, इसलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क के समान इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आपके हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्क को जैसी धातु की बनी कई डिस्कों के ऊपर एक समांतर रूप में एक साथ लगा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक साथ लगा दी जाती है जिससे यह हार्ड डिस्क का रूप ग्रहण कर लेती है। इसमें ऊपर व नीचे की सतह को छोड़कर प्रत्येक सतह पर डाटा लिखा जाता है। डिस्क अपनी सतह पर लगातार घूमती रहती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है। देखिए मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, इस डिस्क में मैग्नेटिक तथा ऑप्टिकल डिस्क दोनों के गुण उपलब्ध रहते हैं। इसमें ऑप्टिकल डिस्क के बराबर डाटा संग्रहित किया जा सकता है तथा मैग्नेटिक डिस्क के अनुसार डाटा को बार बार लिखा व मिटाया जा सकता है। इसमें मैग्नेटिक क्रिस्टल होते हैं जिनमें बीच में प्लास्टिक की एक परत होती है। इसको पढ़ने के लिए लेजर तथा मैग्नेट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों बात आती है अगला क्वेश्चन की, सॉफ्टवेयर क्या है और इसके प्रकारों का हमें वर्णन करना है। कंप्यूटर अपने आप कोई कार्य नहीं करता है, इसके कार्यों को प्रोग्राम के द्वारा संचालित किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं। इन प्रोग्रामों के एक संपूर्ण योग को दोस्तों हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर के प्रकार। ये दोस्तों मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या हिंदी में अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, या मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहते हैं जो प्रयोगकर्ता के द्वारा स्वयं ही लिखे जाते हैं। कार्यालय का वेतन तैयार करना, रिपोर्ट छापना, टास्क, ठीक है दोस्तों, स्टॉक का विवेचन करना आदि विभिन्न कराने के लिए यह सॉफ्टवेयर बताया जाता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर और विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की कार्य पद्धति का दोस्तों में वर्णन करना है। किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में आवश्यक रूप से 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इनपुट उपकरण, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आपका आउटपुट उपकरण। सीपीयू जो आपका सीपीयू में ही मुख्य मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, ठीक है दोस्तों, तथा कंट्रोल यूनिट होता है। इन 3 मूल भागों के अतिरिक्त कंप्यूटर में द्वितीयक संचयन उपकरण, इन्हें दोस्तों पूरक संचयन या सहायक संचयन के संदर्भ में भी लिया जाता है, भी होते हैं, जिन्हें आंकड़ों के संचयन एवं दीर्घकालीन आधार पर निर्देश के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या ये बताना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है। यह कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक स्मृति मेमोरी का मेल है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या है। देखिए विंडोज XP पर सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। विंडोज XP का महत्वपूर्ण पहलू इसके लचीले गुण है जिसके कारण उपयोग करने वाला डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित है दोस्तों, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर प्लेसेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, फाइल्स एंड फोल्डर्स, और दोस्तों शॉर्टकट। फिर एक क्वेश्चन आता है कि रिसाइकल बिन की विशेषताओं को वर्णन करना है, तो दोस्तों रिसाइकल बिन क्या होता है इसको देखते हैं। रिसाइकल बिन को खोलकर इसके कंटेंट्स को देखने के लिए डेस्कटॉप पर प्रदर्शित हो रहे हैं रिसाइकल बिन के आइकन पर दोस्तों हम डबल क्लिक करते हैं। दूसरा पॉइंट है रिसाइकल बिन में डाली गई फाइल फोल्डर तब तक वहां स्टोर रहते हैं जब तक कि उन्हें रिमूव नहीं करते हैं या जब तक कि वह हार्ड डिस्क पर उपलब्ध स्पेस का निर्धारित प्रतिशत स्पेस नहीं ले लेता है। तीसरा पॉइंट है जब किसी आइटम को डिलीट बटन दबाकर डिलीट करते हैं तब विंडोज उसे रिसाइकल बिन में डाल देता है। चौथा पॉइंट दोस्तों, रिसाइकल बिन पर मौजूद सभी आइटमों या चुनिंदा आइटमों को उनके पुराने लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट दोस्तों, रिसाइकल बिन को सभी या चुनिंदा आइटमों से खाली कर सकते हैं, ऐसा करने से वो आइटम स्थायी तौर पर डिलीट हो जाता है। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, टास्क बार क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कंप्यूटर स्टार्ट करने पर स्क्रीन के निचले हिस्से में टास्क बार दिखाई देता है, विंडोज कार्य करते समय भी यह आसानी से स्क्रीन पर अवेलेबल होता है। जब कोई प्रोग्राम रन होता है या कोई प्रोग्राम विंडोज ओपन की जाती है तो उसे दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता हुआ आइकन इस टास्क बार पर दिखाई देता है। विभिन्न विंडोज या प्रोग्राम के बीच स्विच और यस करने के लिए दोस्तों टास्क बार पर दिखाई देने वाले आइकन को क्लिक किया जा सकता है। टास्क बार पर प्रोग्राम या विंडो के आइकन पर माउस से राइट क्लिक करने पर दोस्तों क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करने पर दोस्तों पर्टिकुलर फाइल प्रोग्राम विंडोज क्लोज हो जाती है और वह पर्टिकुलर आइकन भी टास्क से डिसअपियर हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा कि फाइल एवं फोल्डर को आपको समझाना है। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम में फाइल किसी सहायता भंडारण माध्यम पर स्टोर किए गए डाटा का एक संग्रह होती है। ये विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा स्टोर करने की मूल इकाई फाइल होती है। प्रोग्राम के अंतर्गत जो दस्तावेज बनते हैं और प्रयोग करते हैं वे भी फाइल होती हैं। ठीक इसी तरह सभी प्रोग्राम भी फाइल होते हैं। कोई फोल्डर बहुत ही फाइलों तथा अन्य फोल्डरों का संग्रह होता है। विंडोज में फाइलों को प्रतीक चिन्ह आइकन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर किसी नए फोल्डर को किस प्रकार बनाया जा सकता है इसको बताना है। देखिए, डेस्कटॉप विंडोज का प्रारंभ बिंदु होता है। यदि इसमें एक पूरी तरह स्वतंत्र फोल्डर बनाना चाहते हैं इसके लिए दोस्तों निम्नलिखित क्रिया करना पड़ेगा। पहला दोस्तों पॉइंट है, अपने डेस्कटॉप के किसी खाली स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए, इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दोस्तों आपको दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसमें न्यू को क्लिक कीजिए, ऐसा करते ही दोस्तों न्यू का विकल्प झरना या कैस्केडिंग मेन्यू दिखाई पड़ेगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इस झरना मेन्यू या फोल्डर में सभी विकल्प को क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, किसमें करना है, फोल्डर पर। जैसे न्यू में दोस्तों आप जाएंगे तो आपको फोल्डर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इससे डेस्कटॉप में एक नया प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है जिसे दोस्तों न्यू फोल्डर का नाम लिखा हुआ है और उल्टे रंग में है। आप इस नाम की जगह दोस्तों कोई दूसरा नाम टाइप करके एंटर दबा सकते हैं, इससे आपके द्वारा टाइप किए गए नाम का ही फोल्डर बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या रहा है इसको देखते हैं, ईमेल को समझाइए। जी हाँ दोस्तों, ईमेल को आप समझाना है कि ईमेल क्या होता है। देखिए, जिस प्रकार डाक द्वारा एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है उसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, इसे हम ईमेल कहते हैं। ईमेल द्वारा एक संदेश को संप्रेषण के अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित किया जा सकता है। यह लिखित रूप से आंकड़ों एवं सूचनाओं को प्रेषित एवं ग्रहण करने की आधुनिक प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों एवं सूचनाओं का प्रेषण एवं अभिग्रहण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, अतः इस प्रणाली को ईमेल कहा जाता है। ईमेल की सुविधा इंटरनेट के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों रहा, मॉडम का क्या कार्य होता है ये बताना है। हम जानते हैं कि मॉडम मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप है। इस मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। मॉडम का मुख्य कार्य सिग्नलों का प्रारूप परिवर्तन है। इसके अतिरिक्त उच्च तकनीक के मॉडम आंकड़े के संचार में सिग्नलों की शुद्धता संबंधी परीक्षण करते हैं तथा एक से अधिक आंकड़ों के संचरण की दर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ उच्च स्तरीय मॉडम में माइक्रो प्रोसेसर भी लगाया जाता है जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में कार्य करने में किया जाता है। इस प्रकार के मॉडम को दोस्तों हम स्मार्ट मॉडम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि इंटरनेट की कार्य प्रणाली को समझाना है। देखिए, समस्त संसार में फैला हुआ ऐसा नेटवर्क इंटरनेट है जिस पर किसी का भी स्वामित्व तो नहीं है। इंटरनेट नियंत्रण संगठन ने विश्व भर में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश में कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिन्हें आम बोलचाल में दोस्तों आईएसपी कहा जाता है, नियुक्त किए हैं। भारत का प्रमुख आईएसपी विदेश संचार निगम लिमिटेड
VNL, जी हाँ दोस्तों, विभिन्न टेलीकॉम विभागों तथा अन्य प्राइवेट कंपनीज को कनेक्शन प्रदान करता है जो कि इंटरनेट प्रयोगकर्ता को कनेक्शन उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों देखिए, प्रयोगकर्ता को इंटरनेट का कनेक्शन लेने के लिए दो प्रकार के कनेक्शन उपलब्ध कराते हैं, डायलअप और दोस्तों लीज लाइन। प्रयोगकर्ता को डायलअप कनेक्शन के अंतर्गत कंप्यूटर से अपने ISP द्वारा दिया गया एक विशेष टेलीफोन नंबर डायल करना होता है। जब यह फोन दिए गए नंबर पर मिल जाता है तो दोस्तों प्रयोगकर्ता तथा ISP के कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं। प्रयोगकर्ता का कंप्यूटर परोक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़ जाता है तथा प्रयोगकर्ता इंटरनेट के किसी भी कंप्यूटर का पता लिखकर उससे जुड़ सकता है, डेटा लेन देन कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका इंटरनेट सेवाओं का वर्णन करना है। देखिए, ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, इसको भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, दो तरह से ये प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इंटरनेट सेवाएं आपके निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों आपका आता है ईमेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है दोस्तों। मेल का अर्थ होता है डाक, अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने को इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। हॉटमेल हो गया दोस्तों, याहू हो गया, रेडीमेल मेल हो गया दोस्तों, आदि अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर हैं जो मुफ्त में ईमेल भेजने पाने तथा अपना अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगला है दोस्तों ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन दोस्तों क्या होता है, जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ कर रहे हैं तो यह ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उस पते के साथ किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज देते हैं। हमने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है वह व्यक्ति जब चाहेगा तब हमारा भेजा गया संदेश पढ़ेगा। इस प्रकार दोनों में एक ही समय में संदेशों का आदान प्रदान नहीं होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में संदेश भेजने वाला तथा संदेश पाने वाला व्यक्ति एक ही समय में इंटरनेट से जुड़े होते हैं तथा भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर में टाइप करता है वह पाने वाले व्यक्ति के कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। इस प्रकार की सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग भी कहा जाता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की सहायता से पृथक पृथक शहरों देशों में बैठे व्यक्ति आपस में चैटिंग मीटिंग सब कर सकते हैं दोस्तों। ये लोग एक ही समय में सुनिश्चित कर लेते हैं और उस समय सभी इंटरनेट से जुड़कर किसी एक ISP द्वारा दी जाने वाली चैटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए आपस में संदेशों का आदान प्रदान उसी समय टाइप करके अथवा माइक पर बोलकर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप चैटिंग का तो नाम आपने सुन ही रखा होगा। फिर अब बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब या WWW। इंटरनेट पर अपने अपने व्यवसाय, अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तथा अपने प्रतिष्ठान के बारे में विभिन्न सूचनाएं पब्लिश करने के लिए वेबसाइट का निर्माण करना होता है। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त इस सेवा को उपयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता को सर्वर पर स्थान लेना होता है। इसके लिए प्रयोगकर्ता को 200 प्रतिवर्ष कुछ फीस देनी होती है। कुछ सर्वर अभी इस सेवा को निःशुल्क भी उपलब्ध कराते हैं। इस स्थान को वेबसाइट कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है। जिस व्यक्ति को यह पता मालूम है वह उस वेबसाइट पर जाकर उन सूचनाओं का लाभ उठा सकता है। वेबसाइट में सिर्फ सूचनाएं लिखी या पढ़ी जा सकती हैं, ईमेल भेजे या प्राप्त नहीं किए जा सकते। आज कई प्रमुख अखबारों तथा पत्रिकाओं की अपनी वेबसाइट है जहां जाकर हम समाचार व सूचनाएं पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आ सकता है, प्रिंटरों के आपको प्रकार बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसके पांच प्रकार मुख्य हैं। लाइन प्रिंटर हो गया, कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉटेड प्रिंटर और दोस्तों आपका मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के मुख्य भागों के क्या कार्य हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसको देखते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर के मुख्य भाग के कार्य निम्नलिखित हैं। स्टैंडर्ड टूल बार द्वारा आप वेबसाइट के एक एक पेज या लिंक को सामने ला सकते हैं, पेज को डिस्प्ले होने से रोक सकते हैं, मनचाहे वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। अगला है दोस्तों दूसरा पॉइंट की वेब पेज का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, होम पेज को निर्धारित कर सकते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों, ब्राउजिंग हिस्ट्री कस्टमाइज कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट दोस्तों, ईमेल सुविधा को मुफ्त में प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इंटरनेट के जरिए मित्र बनाने का संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फोन पर इसे डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है तथा उस पर अकाउंट की सहायता से दोस्तों किसी सूचना या संदेश को जन सामान्य तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, इसको बताना। देखिए, सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में प्राय वह सभी क्षेत्र आते हैं जो एक साधारण मनुष्य का सामाजिक परिवेश होता है। व्यक्ति जब प्रचलित वेबसाइट तथा वेब पेजों के माध्यम से जन सामान्य से जुड़े होते हैं
तथा सूचनाएं संदेशों को आपस में फैलाते हैं, तो यह प्रक्रिया सोशल नेटवर्किंग कहलाती है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों, ऑनलाइन संसार में अवैध धोखो जालसाजी तथा बेईमानी पर प्रकाश डालना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए वर्तमान समय में ऑनलाइन सेवा संचार के अंतर्गत कई प्रकार से उपयोगकर्ताओं के साथ जालसाजी तथा बेईमानी की जा रही है। यह जालसाजियां तथा अवैध धोखे निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला दोस्तों आपका हैकिंग से संबंधित गतिविधियां, दूसरा क्रैकिंग से संबंधित गतिविधियां, तीसरा लुभावने ऑफरों द्वारा जालसाजी करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा एंटीवायरस क्या है, इन्हें खरीदते समय किन बातों पर ध्यान हमें देना आवश्यक होता है। देखिए कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति की जानकारी करने तथा कंप्यूटर को उनसे मुक्त कराने वाले विशेष सॉफ्टवेयर आज बाजार में उपलब्ध हैं। इन सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस प्रोग्राम कहा जाता है। ये एंटीवायरस प्रोग्राम अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम्स की भांति ही होते हैं। प्रत्येक वायरस की अपनी एक अलग पहचान होती है। जिन वायरसों को पहले पकड़ा जा चुका है उनकी पहचान के तरीके इन एंटीवायरस प्रोग्राम में रिकॉर्ड रहते हैं। कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति का संज्ञान होते ही एंटीवायरस प्रोग्राम न केवल उस वायरस को कंप्यूटर से हटा देते हैं, बल्कि उनके कार्य क्षेत्रों के आधार पर क्षतिग्रस्त किए गए डेटा अथवा फाइल्स को भी कभी कभी पूर्ण रूप से तथा कभी कभी आंशिक रूप से सही कर देते हैं। एंटीवायरस को खरीदते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इसको देखते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम को कंप्यूटर में स्थापित करना तथा प्रोग्राम करना सरल हो जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम स्मार्ट एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए। इसमें टीआरएस की भांति कार्य करने की विशेषता का गुण होना चाहिए। इसका अपग्रेडेशन करना सरल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जा सकता है इसको बताना है। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। इंटरनेट की सहायता से किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है जिसे इन्हें वो अपलोड करना चाहता है, जहां पर दोस्तों उसको अपलोड करना है। तत्पश्चात पीडीएफ फाइल या वीडियो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। ब्राउज फाइलें स्वतः अपलोड हो जाती है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों सर्च इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्वव्यापी सूचनाएं सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती हैं। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था। वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन है, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो सभी जानकारियां पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसे समय समय पर अद्यतन या अपडेट किया जाना चाहिए। सर्च इंजन को अद्यतन करने में समय लगता है तथा इस बीच की नई जानकारियों को तत्संबंधित सर्च इंजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः कोई भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सभी जानकारियों को एक ही समय में सुलभ करा सके। उदाहरण के लिए दोस्तों आपका गूगल, याहू, क्रोम आदि। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को आपको समझाना है। देखिए एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं। एवास्ट एंटीवायरस के इंस्टॉलेशन द्वारा जोड़ा जा सकता है। ये समझ सकते हैं दोस्तों कि आप लोग अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखिए अपने कंप्यूटर में फ्री ट्रायल एवास्ट एंटीवायरस स्थापित करने की चरण प्रक्रिया अग्रानुसार है। सर्वप्रथम इंटरनेट की सहायता से एवास्ट की फ्री ट्रायल वर्जन को डाउनलोड किया जाता है। आपके सिस्टम में सुरक्षित डाउनलोड किया हुआ एवास्ट का सेटअप ओपन किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर विंडो ओपन होगी जिसमें इंस्टॉलेशन की भाषा सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर दोस्तों चौथा पॉइंट है, यूजर नेम व लाइसेंस डॉक्यूमेंट संबंधी विंडो प्रदर्शित होगी, उस पर नेक्स्ट क्लिक करें। पांचवा पॉइंट है दोस्तों हमारा, इंस्टॉलेशन पूर्ण होने पर फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करें, एवास्ट एंटीवायरस आपके सिस्टम में स्थापित हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर हमें टिप्पणी लिखना है, वर्कशीट पैकेज और डाटा पैकेज। देखिए वर्कशीट पैकेज क्या होता है, इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकत्रित किया जाता है। इसमें आंकड़ों को रो तथा कॉलम वाइज सेट किया जाता है तथा उनका गणितीय गणना कार्य को सुविधापूर्वक किया जा सकता है। पैकेज का मुख्य अवयव वर्कबुक होता है जिसमें सामान्यतः 3 वर्कशीट होते हैं। एक वर्कशीट में 16384 कॉलम व 200 इतनी ज्यादा रो हो सकती है, 10,48,576 रो। ठीक दोस्तों डाटाबेस पैकेज क्या होता है, देखिए डाटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर का प्रमुख उपयोग आंकड़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ जरूरत के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यक व्यवस्था की जाती है। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को अपनी जरूरत के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक प्रयोगकर्ता विभिन्न विधियों के द्वारा तथा इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक ही साथ अनेक प्रयोगकर्ता लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा एवं ब्राउजर द्वारा आंकड़ों विषयक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग
विविध विंडोज में करके इंटरनेट के द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग में यदि RAD टूल्स को संबंधित कर दिया जाए तो आंकड़े से संबंधित कार्य शीघ्र रूप में संपन्न हो जाते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे, अगला प्रश्न क्या रहा, एमएस वर्ड का हमें परिचय देना है, इसका सामान्य परिचय। ठीक है दोस्तों, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम आपके अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेखों को संपादित कर और उसमें उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात करेंगे एमएस पावर पॉइंट का परिचय दीजिए, इसे किस प्रकार चालू किया जाता है इसको समझाना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपने पीपीटी दिया होगा जो प्रोजेक्टर पर दी जाती है, तो दोस्तों वहां पर इसका उपयोग करते हैं। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस की कंप्यूटर से जोड़ स्लाइड शो की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पावर पॉइंट को चालू करना है। पॉइंट को दोस्तों निम्नलिखित चरणानुसार शुरू कर सकते हैं। पहले स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें दोस्तों, फिर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर आपको क्लिक करना होता है। फिर अगला क्वेश्चन साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध दोनों को आपको समझाना है। देखिए साइबर सुरक्षा से आते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया कंप्यूटर को सुरक्षित किया जाता है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा की ओर से सरकार ने अपना कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। वह नित्य नए नियमों तथा कानूनों का निर्माण करती जा रही है जिससे कि इस कुकृत्य को रोका जा सके। साइबर सुरक्षा को और विस्तार रूप में समझने के लिए इसकी जड़ साइबर अपराध को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों साइबर अपराध क्या होता है देखते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि साइबर अपराध गैर कानूनी कृत्य है जिसमें कंप्यूटर या तो एक उपकरण या लक्ष्य या दोनों है। साइबर अपराध पारंपरिक प्रकृति के होते हैं, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और शरारत, जो भारतीय दंड संहिता के अधीन है। कंप्यूटर के दुरुपयोग ने भी आपराधिक गतिविधियों में समाविष्ट होकर नवयुगीन अपराधों के एक स्तर को जन्म दिया है, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संबोधित किया जा रहा है। साइबर नियम दोस्तों क्या है इसको देखते हैं। साइबर कानून, जी हाँ दोस्तों जानना बहुत ही जरूरी है। साइबर कानून साइबर लॉ भी कहलाता है। यह एक शब्द है, साइबर कानून एक शब्द है जिसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी संबंधित कानूनों मुद्दों का विशेष रूप से साइबर स्पेस का अर्थात इंटरनेट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह संपत्ति या संविदा की है, ठीक है दोस्तों, की तरह कानून का एक संक्षिप्त मार्ग है, क्योंकि यह कई कानूनी क्षेत्रों का एक चौराहा है जिसमें बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आधिकारिकता का समावेश है। संक्षेप में साइबर कानून इंटरनेट पर मानव गतिविधि द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को कानून की भौतिक दुनिया के लिए लागू करने की न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करने का एक प्रयास है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हमारा, एमएस डॉस का पूरा नाम आपको लिखना है। तो एमएस डॉस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, 5 के 5 वर्ड्स के मतलब अलग अलग नाम। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो इनपुट डिवाइसों का आपको नाम लिखना है। देखिए किसी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता का संबंध केवल इन्हीं उपकरणों डिवाइसों से होता है और इन्हीं के माध्यम से वह कंप्यूटर में अपना कोई कार्य करता है। उदाहरण के लिए दोस्तों आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। अगला प्रश्न रहा आपका कि कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए किन्हीं दो सॉफ्टवेयर का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इसके चलिए दो नाम है, पहला एक पेज मेकर, दूसरा है एमएस वर्ड आदि। अगला प्रश्न रहा हमारा विभिन्न ऑफिस पैकेजेस कौन कौन से हैं, किन्हीं दो के नाम आपको बताना है। वर्तमान में कई प्रकार के ऑफिस पैकेज प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ठीक है। यह कार्यालयों में उपयोग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण पैकेज है। मुख्यतः सभी कार्यालय में इसी ऑफिस पैकेज का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसकी सहायता से आप डाटा के रख रखाव, गणना, प्रस्तुतिकरण आदि सभी कार्यों को कर सकते हैं। फिर दोस्तों दूसरा आता है ओरेकल ओपन ऑफिस 2007। इस ऑफिस पैकेज की सहायता से आप कार्यालय के डाटा से संबंधित सभी कार्यों को बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। इसमें आप आंकड़ों की के एकीकरण, संग्रहण, व्यवस्थीकरण आदि कार्यों का निर्वहन किया जा सकता है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपका कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। देखिए एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जोड़े जाते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। सामान्यतः नेटवर्क टोपोलॉजी 4 प्रकार की होती है। पहला दोस्तों आपका आता है नंबर बस टोपोलॉजी, दूसरा है आपका रिंग टोपोलॉजी, तीसरा स्टार टोपोलॉजी, चौथा है जाल टोपोलॉजी। देखिए उपयुक्त सभी प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी के अपने अलग अलग लाभ व हानियां हैं। इन टोपोलॉजी
को आवश्यकता के अनुसार संयुक्त रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्टार बस टोपोलॉजी या स्टार रिंग टोपोलॉजी इत्यादि। अगला क्वेश्चन रहा कि लॉगिन लॉग आउट क्या होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कभी आप फेसबुक लॉग इन या लॉग आउट या कहीं पर भी ईमेल आईडी को लॉग इन लॉग आउट करते होंगे। देखिए लॉग इन का मतलब, जब किसी पुराने यूजर द्वारा लॉग ऑफ यूजर्स नेम का प्रयोग किया जाता है तो सभी प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं और एक भिन्न यूजर के रूप में लॉग ऑन हो जाते हैं, जिसमें एक नए यूजर द्वारा पुनः लॉग इन किया जा सकता है। लॉग आउट का मतलब दोस्तों होता है कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता द्वारा अपने अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया लॉग आउट कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपने जो वाईफाई एक्सेस देखा होगा तो वहां पर भी लॉग इन लॉग आउट मांगता है, तो देखा होगा काफी बच्चों ने। अगला प्रश्न रहा कि वेबसाइट क्या होती है। देखिए वेबसाइट का संबंध विश्व फाइलों के संकलन से होता है, जिसे WWW या वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसे आरंभ की फाइल अथवा होम पेज कहते हैं। एक संस्थान या व्यक्ति यह कहता है कि उनके वेबसाइट को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, उनके पते का होम पेज देते हैं। होम पेज से तुम्हें उसके सभी अन्य पेजों की साइट प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए IBM के लिए वेबसाइट के होम पेज का पता इनके .com से दोस्तों हम लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको एक और बता देते हैं इस वीडियो के बाद कि होम पेज के अंतर्गत वास्तव में विशिष्ट फाइलों का नाम एक इंडेक्स के रूप में HTML के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, IBM के होम पेज के पते के अंतर्गत हजारों पृष्ठ सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोगों के लिए, हमने स्पेशल डिजाइन किया, उसका नाम है dlrdigital.com, DELED, ठीक है, DLRESULT.com। दोस्तों अगर गूगल पर जाकर आप सेम टू सेम लिखेंगे DELED result.com, ये दोस्तों आपके लिए हमने एक स्पेशल वेबसाइट डिजाइन की है जो डीएलएड के छात्रों के लिए है। ठीक है, तो आप इस पे दोस्तों बिल्कुल स्पेस नहीं देना, बिल्कुल सटा कर लिखेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर मिलेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर क्या करता है, स्पष्ट करिए यह क्या है। विंडोज एक्सप्लोरर पूर्व संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर तथा फाइल मैनेजर प्रोग्रामों की जगह विंडोज 95-98 ME ने में विंडोज एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइलों, ड्राइवों तथा नेटवर्क संबंधों की देखभाल एवं व्यवस्था करता है। यद्यपि विंडोज XP में विंडोज एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, उसमें इसके बदले माई कंप्यूटर से कार्य लिया जाता है। अगला प्रश्न रहा स्क्रॉल। ठीक है दोस्तों, स्क्रॉल बार की उपयोगिता को लिखना है। ये किसी विंडोज में दिखाई जा रही सूचनाओं को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साधन है। जो सूचना हमें इस समय दिखाई नहीं पड़ती उसे देखने के लिए स्थान पर लाने का इसका प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः ऐसी विंडो भी दिए होते हैं जिससे विंडो के छोटे आकार के कारण सभी सूचनाएं एक बार में दिखाई नहीं पड़ती। स्क्रॉल बार दो प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, एक तो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल और दूसरा क्षैतिज या हॉरिजेंटल। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार क्षैतिज स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में दोस्तों दाएं से बाएं जाने में किया जाता है। ये स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडो में सामान्यतः क्रमशः दाएं किनारे तथा निचले किनारे पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो किसी कंप्यूटर प्रणाली के सफल संचालन हेतु एक प्रबंधक का कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं। अब इसकी परिभाषा क्या? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न आगत इनपुट, निर्गत आउटपुट, केंद्रीय संसाधन इकाई व स्थायी भंडारण इकाई की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है तथा प्रयोगता यूजर द्वारा दिए गए निर्देश व अन्य सॉफ्टवेयर के सफल क्रियान्वयन का प्रबंध करता है। देखिए दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है? प्रक्रिया प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन, आगत निर्गत प्रबंधन, फाइल प्रबंधन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि रोम का पूरा नाम लिखना है, इसकी विशेषता संक्षेप में हमें समझाना भी है। तो दोस्तों रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, या अंग्रेजी में रीड ओनली मेमोरी, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार की है। देखिए दोस्तों, यह एक स्थायी स्मृति होती है। रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों के समूह प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं। रोम में संग्रहित निर्देश समूह प्रोग्राम परिवर्तित या नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात करेंगे यह नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थायी मेमोरी होता है दोस्तों। ठीक है ना,
स्थायी तौर पर। जी हाँ दोस्तों, विद्युत आपूर्ति बंद होने या कंप्यूटर बंद होने की परिस्थिति में रोम में संग्रहित आंकड़े निर्देश समाप्त नहीं होते हैं। यह सेमी कंडक्टर चिप होती है। रोम में संग्रहित निर्देशों के समूह को स्थायी होने के कारण रोम व इससे संग्रहित निर्देशों समूह के संयोजन को फर्मवेयर कहा जाता है। रोम में संग्रहित निर्देश समूह का प्रयोग मात्र कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय ही होता है। रोम व इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, या दोस्तों इसको बोलते हैं बायोस। ठीक है, अगला प्रश्न रहा दोस्तों हमारा, इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर में बताना है। तो इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में अंतर देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे आपके इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह होती है। इसमें कागज पर छपने वाली बिंदु स्याही की बहुत ही छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बिंदु डॉट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे तथा नजदीक होते हैं, इसलिए अक्षर सुंदर व स्पष्ट आते हैं। इंकजेट प्रिंटरों में स्थायी नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है। जैसे जैसे प्रिंटेड, ठीक दोस्तों, प्रिंटेड चलता है, ये बूंदे अक्षर बनाती जाती हैं। स्याही की बूंदे ठीक स्थान पर गिरे, इसके लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं। इसमें कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल को प्रेशर में परिवर्तित करके उसे स्याही के बर्तन पर डाला जाता है। इसे स्याही की बूंदे दबाव से प्रिंट हेड से कागज पर गिरती है तथा अक्षर या आकृति बन जाती है। इनसे छपे हुए अक्षर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसे छपे अक्षर बहुत ही सुंदर होते हैं, परंतु प्रिंट की गति काफी धीमी होती है। ये प्रिंटर इंक भी अधिक व्यय करते हैं, इसलिए अधिक खर्चीले भी होते हैं। अब दोस्तों बात आती है आपके जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो क्या होते हैं। लेजर प्रिंटर प्रिंट की अत्याधुनिक प्रणाली है। ये कीमत में अधिक होते हैं, परंतु गुणवत्ता अधिक, स्तर अधिक होने के कारण इनका प्रचलन तेजी से बढ़ा है। ये बिना किसी आवाज के कागज पर छपते हैं। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, परंतु बिंदु इतने पास पास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता है। सामान्य लेजर प्रिंटर 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। लेजर प्रिंटर की कार्यविधि फोटोस्टेट मशीन की तरह होती है। इसमें लेजर किरणों का प्रयोग होता है। किरणों को 8 समतल दर्पण वाले प्रिज्म पर डाला जाता है। प्रिज्म घूमता रहता है। लेजर किरण परावर्तित होकर बेलन पर पड़ती है तथा बेलन पर एक चार्ज बिंदु उत्पन्न हो जाता है। इस तरह बेलन पर अक्षर उकेर या उभार लिए जाते हैं। फिर उस पर सूखा स्याही पाउडर डाला जाता है, जिसे टोनर कहते हैं। पाउडर केवल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहां प्रकाश बिंदु होते हैं। तब इस बेलन को कागज पर घुमाकर ये अक्षर कागज पर उतर जाते हैं। ये अक्षर अभी स्थायी नहीं होते हैं। कागज को थोड़ी गर्मी मिलते ही ये पिघल कर कागज पर स्थायी रूप से छप या चिपक जाते हैं। पाउडर टोनर जितना महीन और उच्च क्वालिटी का होता है, अक्षर उतने ही आकर्षक आते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि पेन ड्राइव क्या है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। देखिए पेन ड्राइव तो सबके पास होगा आज की डेट में। पेन ड्राइव का अर्थ क्या होता है। एक फ्लैश ड्राइव बहुत ही छोटी तथा पोर्टेबल डिवाइस होती है, जिसमें हार्ड ड्राइव अथवा ऑप्टिकल ड्राइव की तरह कोई भी गतिमान भाग नहीं होता है। अधिकतर ये पीसी से बिल्ट यूएसबी पोर्ट के द्वारा जुड़ती है। इस युक्त डिवाइस की संकलन क्षमता 16 GB से 64 GB या उससे अधिक होती है। यूएसबी पेन ड्राइव हटाई जा सकने वाली युक्ति होती है। देखिए पेन ड्राइव का उपयोग कहाँ पर होता है, इसका सामान्य उपयोग देखते हैं दोस्तों। यह व्यक्तिगत फाइलों जैसे डॉक्यूमेंट, चित्र, वीडियो, म्यूजिक फाइल, प्रस्तुतिकरण इत्यादि को स्थानांतरित करने में प्रयुक्त होती है। पेन ड्राइव दोस्तों डाटा, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, फाइलों को सुरक्षित रखती है। यह सिस्टम तथा नेटवर्क प्रबंधकर्ता द्वारा प्रयोग की जाती है। जो सिस्टम के रख रखाव, ट्रबल शूटिंग तथा डाटा की भरपाई के लिए सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कंप्यूटर टेक्नीशियन के सर संभाल के वक्त तिथि तथा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्थानांतरण के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। पांचवा पॉइंट है, यह अनुप्रयोगों को चलाने तथा परिवहन में भी प्रयुक्त होती है, जो कंप्यूटर पर बिना इंस्टॉलेशन के चलाई जाती है। छठा पॉइंट है दोस्तों, इसका उपयोग डिजिटल म्यूजिक फाइल को संकलित करने में भी किया जा सकता है, जिसे कंपैटिबल मीडिया प्लेयर, होम म्यूजिक सिस्टम, कार ऑडियो आदि किसी भी मिली जुली युक्तियों में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न रहा दोस्तों हमारा, स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति क्या होती है। देखिए कंप्यूटर की मेमोरी या भंडारण इकाई ऐसे साधनों से बनी होती है, जिनका प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के समय सूचना स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस भाग का प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के काल में उसके अंतरिम या इंटरमीडिएट और अंतिम फाइनल परिणामों को कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए भी किया जा सकता है। मेमोरी इकाई को इस प्रकार बनाया जाता है कि कंट्रोल इकाई के लिए उसमें कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव हो। इसमें लगने वाला समय विभिन्न मामलों में अलग अलग हो सकता है, और यह मेमोरी में उपयोग किए गए साधनों पर निर्भर करता है। मेमोरी के लिए प्रचलित तथा इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी, चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क होते हैं।
देखिए दोस्तों, मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य भी होती है क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर की सीपीयू को करना है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू के सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है, और जो साधन बैकअप भंडारण कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी में केवल वे प्रोग्राम डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जा रहा है। फिर दोस्तों बात आती है सेकेंडरी भंडारण स्मृति या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा मौलिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। यह आकार में थोड़ी बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्टोरेज स्मृति के उदाहरण है। फिर दोस्तों बात करेंगे निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका आता है आइकन प्रिंटर में होता है गलत। ठीक है, असत्य है दोस्तों। पवन पावर ऑन ऑफ, ठीक है दोस्तों, पावर ऑन ऑफ बटन सीपीयू में होता है सत्य जी, हाँ दोस्तों सही है, ये पावर लिखा था, पावन लिखा है। एंटर बटन मॉनिटर में होता है दोस्तों असत्य जी, नहीं दोस्तों एंटर आपका कीबोर्ड में होता है ना। टाइटल बार पर प्रोग्राम का नाम लिखा होता है जी, हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न रहा दोस्तों खंड का के अधूरे वाक्य को खंड का से मिलाना है। ठीक दोस्तों, पहला खंड का में क्या है, कंप्यूटर की स्पीड दोस्तों होती है आपकी एमबी में, कंप्यूटर मेगाहर्ट्ज में जो यहाँ पर दे रखा है, इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, कंप्यूटर की स्पीड दोस्तों होती है आपकी मेगाहर्ट्ज में। फिर दोस्तों दूसरा है आपका है बैक स्पेस से दोस्तों क्या होता है, अक्षर मिटाते हुए एक अक्षर पीछे आता है, जी हाँ दोस्तों, जैसे अक्षर को कुछ मिटाना तो ये बैक स्पेस का यूज करते हैं। रबड़ का बॉल, जी हाँ दोस्तों, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ये दोस्तों होता है आपके माउस के निचले हिस्से में होता है, जी हाँ दोस्तों, ऊपर वाला विकल्प। और दोस्तों लास्ट वाला सेलेक्ट प्रयोग होता है कहाँ पर दोस्तों, आपका माउस बटन को दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना। तो दोस्तों आपने देख लिया सही, जो इसका मिलान करना था वो हमने कर लिया। अगला प्रश्न आता है आपका कि माउस के हमें कार्य बताना है। ठीक है दोस्तों, इसके कार्य देखते हैं माउस के। माउस की सहायता से किसी प्रोग्राम को खोलते हैं, माउस को इधर उधर सरका कर माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में आवश्यकता अनुसार घुमाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने ड्रैगिंग, वह स्थान काला हो जाता है जिसे हम सिलेक्ट करते हैं। चौथा पॉइंट है माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर लगातार 2 बार पाया बटन दबाने पर संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों पुनः एक बार माउस के बाएं बटन को दबाने पर विंडोज के अन्य विकल्प खुल जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्क्रीन पर विंडोज खुला है या कोई अन्य सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर कितने प्रकार के कीज होते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में अग्र प्रकार की कीज होती है, जैसे दोस्तों कर्सर नियंत्रण कीज, दूसरा दोस्तों फंक्शन कीज है, तीसरा है टाइप राइटर कीज, चौथा है न्यूमेरिक कीपैड, पांचवा दोस्तों कैप्स लॉक, छठा है शिफ्ट की, सातवां एंटर रिटर्न की, आठवां दोस्तों डिलीट की, और दसवां नौवां है आपका बैक स्पेस की। फिर अगला प्रश्न है कि सीपीयू में कितने बटन होते हैं ये बताना। देखिए सीपीयू में दोस्तों आपके 2 बटन होते हैं, एक तो पावर ऑन ऑफ, ठीक दोस्तों, दूसरा होता है आपका रीसेट बटन। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि भाई निम्न में से सही और गलत में आपको टिक करना है। विभिन्न प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक दोस्तों जी हाँ सत्य है, माउस टाइपराइटर की तरह होता है, गलत दोस्तों, माउस का टाइपराइटर की तरह होता है। स्पीकर इनपुट यंत्र है, जी हाँ दोस्तों सत्य है। हार्ड डिस्क सूचना संग्रह के लिए प्रयोग होता है, जी हाँ सत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहा हमारा, हमें सीपीयू का कार्य बताना है। देखिए दोस्तों सीपीयू प्रोग्राम के रूप में लिखे गए निर्देशों का एक क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करता है। सीडी का आकार व संग्रहण क्षमता बताना है। देखिए यह वृत्ताकार प्लास्टिक की ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसकी क्षमता 400 मेगाबाइट तक होती है। मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों ये बताना है। मीडिया प्लेयर का प्रयोग विशेषता सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने चलाने के लिए किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान हेतु कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है जो उन्हें सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है। छात्र सीडी या डीवीडी को मीडिया प्लेयर की सहायता से चलाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समय अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आपका एक तरह से मीडिया ही हो गया। अगला प्रश्न क्या हमारा, अपलोड का क्या अर्थ होता है। देखिए दोस्तों जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट जानकारी, सूचना, आंकड़े, ग्राफ, टेक्स्ट, ठीक ना दोस्तों, टेक्स्ट हो गया ये, टेक्स्ट है TXT वाला, चलचित्र, वीडियो आदि को किसी साइट पर सर्वसाधारण के देखने या सुरक्षित सेव करने हेतु नेट पर जाता है, तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हम अपलोड कहते हैं। जैसे आप लोग फेसबुक पर अपनी फोटो डालते होंगे, इंस्टाग्राम हो गया, या आजकल टिकटॉक बहुत चल रहा है, वहां पर आज अपनी फोटो डालते होंगे या वीडियो, ये सब है आपका अपलोड। अगला प्रश्न रहा है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसको बताना है। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क को साधारणतः वैन कहते हैं। इनमें दो कंप्यूटर केबल से न जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ जाते हैं।
इनमें दो कंप्यूटर के बीच की दूरी दो शहर, राज्य या देश की दूरी हो सकती है, इसलिए दोस्तों वायरलेस नेटवर्क भी से हम कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी युक्ति द्वारा किसी सूचना को कुछ सेकंड में ही निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों कहते हैं ईमेल के द्वारा दोस्तों किसी सूचना को कुछ ही सेकंड में निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बोलते हो ना ईमेल कर दो यार इसको, हमारी फोटो भेजनी है या हमारे कुछ और, तो ईमेल सबसे अच्छा माध्यम होता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलने की विधि आपको बतानी है। देखिए इसमें सबसे पहले हम स्क्रीन पर नीचे की ओर स्टार्ट पर माउस से बायां बटन दबाते हैं, फिर मॉनिटर पर खुले विंडोज में प्रोग्राम पर जाकर बायां बटन दबाते हैं, इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर पर माउस का बायां बटन दबाते हैं, इस प्रकार इंटरनेट एक्सप्लोरर स्क्रीन पर खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, ईमेल भेजने की विधि आपको बतानी है। देखिए सर्वप्रथम वेबसाइट खोलते हैं, उसके दाहिनी ओर मेल बटन को माउस से क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं दोस्तों यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है, यूजर आईडी और पासवर्ड लिखकर साइन इन बटन या इंटर पर क्लिक करते हैं, जिससे ईमेल खुल जाता है। ईमेल खुलने के बाद दोस्तों हमें कंपोज बटन पर क्लिक करना होता है। जी हाँ दोस्तों, कंपोज आता होगा लेफ्ट में, आप देखे होंगे, उस पर क्लिक करें तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले टू के आगे दोस्तों उस व्यक्ति का ईमेल अकाउंट लिखते हैं जिसको हम संदेश भेजना चाहते हैं, उसके बाद दोस्तों इसके बाद संदेश टाइप करते हैं, तीसरा पॉइंट है तत्पश्चात सेंड बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ईमेल पहुंच जाता है इसकी सूचना स्क्रीन पर दिखने लगती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वेब ब्राउजर क्या होता है ये बताना। देखिए वेब ब्राउजर, अच्छा क्वेश्चन है, ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउजर के कारण ही हम वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक दोस्तों, फिर दूसरा आता है आपका नेट स्केप, नेविगेटर, ठीक है, नेट स्केप, ठीक है, आदि। फिर अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विंडोज में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है ये बताइए आप लोग। देखिए नया फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, चलिए देखते हैं। पहला है, अपने डेस्कटॉप पर किसी खाली स्थान पर माउस का दायां बटन को क्लिक करिए, इससे स्क्रीन पर एक कंटेक्स्ट मेन्यू खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप दायां बटन क्लिक करेंगे तो कुछ आता है ना मेन्यू, फिर उसमें दोस्तों क्या करते हैं, इस मेन्यू में दोस्तों मैं न्यू को क्लिक करके ऐसा करते हैं, न्यू विकल्प का झरना मेन्यू दिखेगा दोस्तों, जिसमें ढेर सारे मेन्यू आ जाएंगे, देखे होंगे ना आप लोग। फिर दोस्तों इसमें क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा, इस झरना मेन्यू में दोस्तों फोल्डर विकल्पों में क्लिक करना होता है। अब डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर लिखा दिखाई देगा, आप इस नाम की जगह कोई दूसरा नाम टाइप करके नया फोल्डर बना सकते हैं। अगला प्रश्न रहा दोस्तों हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार आपको बताने कि कितने प्रकार के होते हैं, या दोस्तों लैन के बारे में हमें संक्षेप में लिखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले स्थानीय नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को दोस्तों बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क, ठीक है दोस्तों, किसी भवन या परिसर तक सीमित होते हैं जिनमें तांबे या फाइबर ऑप्टिकल केबलों द्वारा समस्त कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। ऐसा नेटवर्क एक लैन 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर तथा नेटवर्क में जुड़े किन्हीं दो कंप्यूटर के बीच 20 से 30 मीटर से अधिक दूरी नहीं होती है। ऐसे नेटवर्क में लगभग दोस्तों 1,000 कंप्यूटर तक जोड़े जा सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर को जोड़ने के लिए दो तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, पहला दोस्तों आपका क्लाइंट सर्वर तकनीक है, दूसरा है पीयर टू पीयर तकनीक। फिर दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों आपका व्यापक क्षेत्र नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है जिसमें विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क परस्पर संबंध होते हैं। ये नेटवर्क विशाल आकार के भूमंडलीय क्षेत्र में फैला होता है, सामान्यतः यह पारस्परिक दूर संचार लाइनों पर आधारित होता है। फिर अगला दोस्तों पॉइंट है हमारा कि मेट्रो एरिया नेटवर्क, दोस्तों यह भी एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क ही है, किंतु यह नेटवर्क की स्थापना सभी छोटे छोटे शहरों को जोड़ने के लिए ही नहीं, वरन इसके अंतर्गत मात्र देश के मेट्रो शहर यथा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि में स्थापित कंप्यूटर नेटवर्कों को विशिष्ट कारणों से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझाना है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS, ठीक है दोस्तों, है विंडो के अंतर्गत इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा जानकारी डाटा को व्यवस्थित रूप से कंप्यूटर में भविष्य में उपयोग हो हेतु संरचित किया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों एक कंपनी द्वारा अपने डीलर्स की जानकारी, लाइब्रेरी में पुस्तकों की जानकारी, म्यूजिक स्टोर में गानों की एल्बम की जानकारी इत्यादि को इस सॉफ्टवेयर द्वारा व्यवस्थित कर उपयोग में लाया जा सकता है। जानकारी का व्यवस्थित स्वरूप डाटाबेस कहलाता है। एक्सेस में डाटाबेस टेबल के रूप में होता है, इस टेबल की पंक्तियां रिकॉर्ड्स कहलाती है तथा स्तंभ फील्ड्स कहलाते हैं। इस फील्ड्स पर आधारित सूचनाएं रिकॉर्ड्स में डाली जाती हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी है दोस्तों, ये बताना आपको। देखिए कंप्यूटर के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां निम्न प्रकार की है।
कंप्यूटर का एक अलग से कमरा होना चाहिए। कंप्यूटर को सूखा हुआ धूल रहित वातावरण में रखना चाहिए। कंप्यूटर में मेन पावर सप्लाई को बंद करने से पहले कंप्यूटर को शटडाउन करें और मॉनिटर सिस्टम यूनिट एवं प्रिंटर को स्विच ऑफ करें। चौथा पॉइंट दोस्तों, कंप्यूटर के आसपास खाद्य सामग्री न रखें क्योंकि कीबोर्ड पर पेय पदार्थों के गिरने से वह स्थायी रूप से खराब हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट दोस्तों, कीबोर्ड के बटन को बहुत जोर से ना दबाएं। छठा पॉइंट, माउस को अधिक नमी में ना रखें। और सातवां पॉइंट है दोस्तों, दीवार व कंप्यूटर के बीच की दूरी रखें जिससे हवा का संचालन हो सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों रहा कि मॉनिटर का उपयोग बताना है। देखिए मॉनिटर का क्या उपयोग होता है, मॉनिटर की समय सूचना है, परिणाम देखने वाले के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका डेस्कटॉप है तो सब कुछ है, जो स्क्रीन होती है ना वो मॉनिटर में होती है। यह एक टीवी के समान पर्दे वाला उपकरण होता है। इसकी स्क्रीन एक कैथोड रे ट्यूबेट, ठीक दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब होती है। मॉनिटर पर बनी आकृति बहुत छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर बनती है जिन्हें दोस्तों पिक्सल कहा जाता है। मॉनिटर मुख्य दो प्रकार की होती है, पहला श्वेत श्याम मॉनिटर, ठीक दोस्तों, मोनोक्रोम मॉनिटर। रंगीन मॉनिटर को दोस्तों बोलते हैं कलर मॉनिटर। रंगीन मॉनिटर रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है दोस्तों, आरजीबी प्रकार का होता है। कंप्यूटर में पर्याप्त रैम उपलब्ध होने पर मॉनिटर 8 से इतना दोस्तों देख रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 16 लाख रंगों को डिस्प्ले कर सकता है। तो सोचिए दोस्तों, स्टार्ट मेन्यू के उपयोग को बताना। देखिए स्टार्ट मेन्यू को उपयोग निम्नलिखित है, पूर्व में उपयोग में लाए गए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से डॉक्यूमेंट्स को खोलने में। इसके लिए दोस्तों टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, खुलने वाले स्टार्ट मेन्यू में डॉक्यूमेंट्स को पॉइंट करते हैं, खुलने पर सब मेन्यू में इच्छित डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। दूसरा, प्रिंटर आइकन या शॉर्टकट पर डॉक्यूमेंट आइकन को ड्रैग करते हुए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में इसके लिए करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद यदि आवश्यक हो तो प्रिंटर फोल्डर को ओपन करते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रिंटर या इसके शॉर्टकट आइकन पर डॉक्यूमेंट आइकनों को ड्रैग करते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इसमें रहा कि डॉक्यूमेंट जिस एप्लीकेशन पर बना है वह खुल जाएगा और डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा दोस्तों, किसी फोल्डर को किस प्रकार खोला जाता है यह बताना। देखिए विंडोज में फाइलों को इधर उधर करने, नकल करने या अन्य क्रियाएं करने के लिए दोस्तों हमें प्राय फोल्डर को खोलने की आवश्यकता होती है। यदि फोल्डर डेस्कटॉप में बना है तो उसका एक प्रतीक चिन्ह डेस्कटॉप पर दिखाई पड़ेगा, उस आइकन को डबल क्लिक करके फोल्डर को खोल सकते हैं। लेकिन यह फोल्डर डेस्कटॉप में नहीं है और किसी और फोल्डर में है तो उसका आइकन डेस्कटॉप पर दिखाई नहीं पड़ेगा, वह आपको ढूंढ कर खोलना पड़ेगा। ऐसे फोल्डर को खोलने के निम्नलिखित विधि है। पहला दोस्तों, आपका डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर के आइकन को डबल क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर विंडोज 10 है आपका तो वहां पर लिख के आएगा दिस पीसी, ठीक है दोस्तों, विंडोज 7 में माई कंप्यूटर तो अलग अलग में भाई अलग अलग दिखता है। फिर दोस्तों इससे माई कंप्यूटर की विंडो खुल जाएगी जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक डिस्क ड्राइव फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क एक एक आइकन अवश्य होगा। इस विंडो में उस ड्राइव को डबल क्लिक कीजिए जिसमें आपका फोल्डर है। इसके आइकन को दोस्तों डबल क्लिक करते ही आपका स्क्रीन उस ड्राइव की विंडो खुल जाएगी जिसमें उस डिस्क पर बने हुए सभी फोल्डर तथा फाइल का एक एक आइकन दिखाई देगा। इस विंडो में यदि आपका फोल्डर अर्थात उसका प्रतीक दिखाई दे रहा है तो आप उसे डबल क्लिक करके खोल दीजिए। आवश्यकता हो तो विंडो को स्क्रॉल करके अपना फोल्डर ढूंढिए, यदि वह फोल्डर उनमें ना हो तो आपको सोचना चाहिए कि वह किसी और फोल्डर में तो नहीं है। आप उस डबल क्लिक करके उसे खोल लीजिए और अपना इच्छित फोल्डर ढूंढिए। इस प्रकार फोल्डर को खोलते हुए आप इच्छित फोल्डर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप किसी फोल्डर से ठीक ऊपर वाले फोल्डर पर जाना चाहते हैं तो उस पर विंडो के ऊपर अप बटन पर क्लिक करिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, डेस्कटॉप में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है ये बताना है। तो दोस्तों अभी देखिए, हमने देखा था डेस्कटॉप पर विंडोज का प्रारंभ बिंदु होता है। यदि इसमें एक पूरी तरह से स्वतंत्र फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए निम्न क्रिया करिए। अपने डेस्कटॉप के किसी खाली स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक करिए। इसमें स्क्रीन पर दोस्तों एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। इस मेन्यू में दोस्तों न्यू पर क्लिक करते हैं, दोस्तों आपको न्यू विकल्प का झरना या कैस्केडिंग मेन्यू दिखाई देगा। इस झरना मेन्यू फोल्डर में विकल्प को क्लिक करिए दोस्तों। इससे डेस्कटॉप में एक नया प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है जिसे न्यू फोल्डर यह नाम लिखकर लिखा हुआ होगा दोस्तों और उल्टे रंग में है। आप इस नाम की जगह कोई दूसरा नाम टाइप करके एंटर दबा सकते हैं। इससे आपके द्वारा टाइप किए गए नाम का ही फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए कुछ आज के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो आपकी दोस्तों वीडियो लगभग समाप्त तो हो चुकी है, तो कुछ पॉइंट है दोस्तों जो आपके 1 नंबर 2 नंबर में बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहा आपका, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग यूनिट एवं मेमोरी यूनिट होते हैं जिनका उद्देश्य कार्यों को तीव्र एवं शुद्ध तरीके से करना होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा रहा, कंप्यूटर के यांत्रिक विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा
निर्देश दिए जाते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अगला पॉइंट रहा दोस्तों वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम परिणाम प्राप्त करते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों रहा विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने का निर्देश देता है तथा प्रोसेसिंग की विधि निश्चित करता है। फिर अगला पॉइंट हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए आंकड़ों को ग्रहण करता है, उसका क्रियान्वयन प्रोसेसिंग करता है एवं उनको ठीक है संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा स्टोर होता है, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी। फिर दोस्तों बात करेंगे कंप्यूटर की मशीनी भाषा को बाइनरी प्रणाली कहते हैं। इसमें जीरो और एक अंक का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों 4 बिट 1 निब्बल के बराबर होता है, 8 बिट बराबर दोस्तों 1 बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर आपका होता है 1 किलोबाइट मतलब 1 KB। ठीक है दोस्तों 1024 MB या मेगाबाइट बराबर होता है आपका 1 GB या जिसको हम बोलते हैं GB, ठीक है ना, GB बोलते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे कंप्यूटर की CPU में मुख्यतः मुख्य रूप से पावर ऑन ऑफ बटन होता है। इस बटन को दबाने पर कंप्यूटर में विद्युत संचार होने लगता है। इस बटन को दोबारा दबाने पर दोस्तों आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। रीसेट बटन द्वारा बिजली से बिना संपर्क तोड़े कंप्यूटर को दोबारा चालू कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे कि कीबोर्ड माउस आदि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं। इसको ध्यान में रखना है, पेपर में आता है कि कीबोर्ड या माउस आपके क्या इनपुट है कि आउटपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को हम ड्रैगिंग पर वह स्थान काला हो जाता है जिसे हम सिलेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों किसी स्क्रीन पर एक बालू घड़ी यह संकेत करती है कि कंप्यूटर आंतरिक रूप से कार्य कर रहा है। इसका जब इंतजार करना पड़ता है तब जब तक यह फिर से दोस्तों ये एरोपन ना बन जाए। फिर दोस्तों बात करेंगे फंक्शन की F1 से F12 तक होती है। जी हाँ दोस्तों आपने देखा होगा ऊपर होती है ना F1 F2 लिख करके F12 तक। न्यूमेरिक की पैड कीबोर्ड के दाईं ओर होता है। कैप्स लॉक और शिफ्ट बटन को दबाकर बड़े अक्षर टाइप हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों अगर कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो आपके कैपिटल अक्षर आएंगे, अगर इसको फिर से कैप्स लॉक पर क्लिक करेंगे तो स्मॉल आ जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप शिफ्ट के साथ कोई भी स्मॉल अक्षर को लिखेंगे तो वो आपका कैपिटल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर आप कैपिटल पहले से तो वो स्मॉल बन जाएगा। फिर बात करेंगे दोस्तों हम लोग किस पर कि डिलीट की जो डिलीट की बटन होती है से स्क्रीन पर लिखा अक्षर मिट जाता है। डेस्कटॉप पर नीली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। स्क्रीन पर छोटे छोटे चित्र आइकन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों जो चित्र होते हैं आइकन कहते हैं। सबसे ऊपर नीली पट्टी को दोस्तों टाइटल बार कहते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे आपके टाइटल बार से नीचे वाली पट्टी मेन्यू बार कहलाती है तथा इसके बाद की पट्टी को टूल बार कहलाती है। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। इंटरनेट देश विदेश में रखे कंप्यूटर की नेटवर्किंग है जो सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान ईमेल कहलाता है। कंप्यूटर की नेटवर्किंग में प्रेषक, ग्राही और माध्यम होता है। दूरी के आधार पर नेटवर्किंग के दो तरीके होते हैं दोस्तों। पहला आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहते हैं, दूसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। फिर दोस्तों बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, WWW, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पेपर में आ जाता है। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यह सर्वर का समूह होता है जो हाइपर टेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, के माध्यम से जुड़ा होता है। फिर दोस्तों बात करेंगे ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उपभोक्ता और वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। फिर दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित प्रत्येक वेबसाइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है, ठीक है ना, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं URL। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वेबसाइट की URL हम आपको फिर से बता देते हैं, एक बार जरूर ट्राई करिएगा जाकर। DEL अच्छी स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है, DELED DELED स्पेस नहीं देना, बिल्कुल सटा के लिखेंगे RELTDLRESULT.COM। जी हाँ दोस्तों ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके लिए बनाई गई, तो आप लोग वहां से अपने जाके नोट्स देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छी वेबसाइट है तो एक बार घूम कर देखिएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आप इस वीडियो के बाद एक चीज आपको और करना है, अगर अभी तक आपने पार्ट वन ना देखा हो तो जरूर देखिएगा पार्ट वन और पार्ट टू। जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू दोनों देख लिया तो फिर आप पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, तो डेफिनेटली आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ऑल द बेस्ट आपके लिए पेपर के लिए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।